नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। PDF आपको इन फ्यूचर नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर निःशुल्क मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य मारवाड़ खेल महोत्सव की ओर से राष्ट्रीय आमंत्रण द प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। आपसे पूछा है कि राज्य मारवाड़ खेल महोत्सव की ओर से राष्ट्रीय आमंत्रण द प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उम्मेद भवन प्रेस में साथियों चैंपियनशिप है जो शुरू हुई है जोधपुर के अंदर, उसका उद्घाटन पूर्व महारानी हेमलता राजा ने टेनिस रैकेट से शॉट खेलकर किया है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा कि राज्य मारवाड़ खेल महोत्सव की ओर से राष्ट्रीय आमंत्रण द प्रिंसेस ऑफ मारवाड़ टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है जो साथियों किया जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप मान के चलिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्वालियर घराने की कलाकार है साथियों, यहाँ पर ग्वालियर घराने की कलाकार है सुमन यादव के राष्ट्रीय संगीत के एल्बम के पोस्टर का विमोचन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी। ग्वालियर घराने की कलाकार सुमन यादव के राष्ट्रीय संगीत के एल्बम का पोस्टर है जो, उसका विमोचन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा है जो किया गया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए, ग्वालियर घराने की कलाकार प्रोफेसर सुमन यादव के शास्त्रीय संगीत के एल्बम के पोस्टर का विमोचन किया गया है। युवाओं को शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के उद्देश्य से साथियों यादव ने इस एल्बम में राग गुजरी तोड़ी की तीन ताल में निबद्ध एक द्रुत ख्याल की रचना प्रस्तुत की है, जिसके बोल हैं सजनावे आए मोर घर आए, मोरा मन अति सुख पाए। गुरु शिष्य परंपरा के तहत यादव ने अपने तीन शिष्यों के साथ यह प्रस्तुत दी है। एल्बम में यादव के साथ डॉक्टर सुमिता झा, लक्ष्य पबुवाल और यशवर्धन सिंह, यादव ने प्रभावशाली गायन किया है। इस एल्बम के पोस्टर का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है, उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा और पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्वालियर घराने की कलाकार है ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर तांबे के भंडार मिले हैं, तो मोहनपुरा फरकिया अजमेर के अंदर है जो साथियों राजस्थान के तांबे के भंडार हैं जो मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीछे साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, नीम का थाना सिकरी है जो साथियों पीछे जो शायद मिले थे उस समय है जो क्वेश्चन है पूछा गया था। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि राजस्थान के किस स्थान पर तांबे के भंडार मिले हैं, तो अजमेर के अंदर साथियों ये तांबे के भंडार हैं जो मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में किस महावीर चक्र विजेता के नाम पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह है, इसे आप इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में किस महावीर चक्र विजेता के नाम पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन सेना से संबंधित जो कर्नल है उनके नाम पर अगर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया जाता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह के नाम पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोपालन विभाग द्वारा डेयरी और स्वीट एक्सपो 2024 का आयोजन कब किया जाएगा, तो नवंबर 2024 के अंदर साथियों इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। और किसके द्वारा साथियों, गोपालन विभाग द्वारा डेयरी और स्वीट एक्सपो 2024 का आयोजन है नवंबर 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर है जो किया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन साथियों जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ हैं जो शेयर कर दिए हैं। अब अपने साथियों राजस्थान जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, जो चीज़ें वहां से इम्पोर्टेंट थी उस पर अपने बात करेंगे। प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में किस टैंक का लोकार्पण किया गया है, तो आंसर हो जाएगा टैंक T-55 का।
किसका? टेक टी 55 का। और आपको ये बताना है साथियों कि जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है और वो अपने राजस्थान के अंदर कौन से क्रम के राज्यपाल हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से समय में। अब आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र है जो किसके समय राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री था? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा। कौन मुख्यमंत्री था तब, कौन राज्यपाल था? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे देखे हैं साथियों, ज्यादा क्वेश्चन है जो इस प्रकार के एग्जामिनर पूछता है कि किस समय में कौन राज्यपाल था। तो आपको मेरे को ये बताना है कि जो वर्तमान के अंदर जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है और वो कौन से क्रम के हैं, और उनके द्वारा है जो साथियों अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है जो राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में है जो टैंक T-55 का लोकार्पण किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। उज्बेकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल स्टोन स्कल्पचर सिंपोजियम तस्केत में पर्दे से कौन भाग ले रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा भूपत डूडी जो है वो भाग ले रहे हैं। और इनका संबंध अगर आपसे पूछे कहाँ से रहेगा तो साथियों इनका जो संबंध है वो आपके रहेगा जोधपुर से। दिल्ली में हुए समारोह में पर्दे से किसे यूथ आइकन का अवार्ड मिला है? तो अंकित खंडेलवाल को मिला है। दिल्ली के अंदर साथियों एक समारोह का आयोजन हुआ था, उसके अंदर साथियों राजस्थान की कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथियों अपने प्रदेश के हैं अंकित खंडेलवाल, इन्हें है जो साथियों है जो यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया था। वहां पर जो साथियों एनजीओ का प्रोग्राम हुआ था, जो जितने भी एनजीओ है उनके जो संचालक हैं वो वहां पर है जो गए हुए थे, उसके अंदर है जो साथियों अपने प्रदेश के हैं जो अंकित खंडेलवाल जी, इनको है जो साथियों क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक में श्याम सुंदर स्वामी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि पैरालंपिक के अंदर है जो साथियों राजस्थान से कौन भाग ले रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन ले रहे हैं साथियों? श्याम सुंदर स्वामी। और इनका अगर आपसे पूछे भी खेल कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी है, और इनका संबंध है जो बीकानेर से है। ये सब चीजें आपको यादें रखनी है। इसके अलावा साथियों जो पैरालंपिक है उसके अंदर अगर आपसे ये भी पूछ ले भी उसके अंदर ध्वजावाहक कौन है, तो उसके अंदर साथियों ध्वजावाहक रहेंगे भाग्यश्री यादव जो सोटपुर से संबंधित है। इसके अलावा सुमित अंतिल जो बाला फेंक से संबंधित है उनको साथियों है जो ध्वजावाहक है बनाया गया है। 28 अगस्त से साथियों पैरा ओलंपिक है जो शुरू हो रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि श्याम सुंदर स्वामी है जो अपने देश का नाम है जो जरूर रोशन करेंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहने वाली है और आपसे पूछा जा सकता है। आपकी बात है जो साथियों भारतीय जो खेमा था उसके पास है जो साथियों कोई गोल्ड नहीं आया था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे हमें गोल्ड मिले। अगला क्वेश्चन साथियों जो रिव्यूजन का है वो आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार आवास व शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा अपने साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के कितने निकायों की गतिविधियों को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 निकायों की गतिविधियों को शामिल किया गया था, और वो 3 निकाय कौन कौन से हैं उसका भी जवाब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। राज्यपाल कौन है और वो कौन से क्रम के हैं वो क्वेश्चन आपको मेरे को आंसर में बताना है, और जो 3 निकाय शामिल किए गए थे उनके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के वो देखें, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। इसके अलावा साथियों जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उन सभी की सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको ई नोट्स के अंदर दी जा रही है, यानी ई नोट्स के अंदर आपको डेली है जो साथियों मिलता रहेगा कंटेंट है, और इससे आपका समय भी बचेगा। अगर आप ई नोट्स के अंदर से खरीदना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स है, उसको 5 स्टार की रेटिंग दीजिए, और उसके बाद आप आसानी से बहुत ही कम रेट के अंदर है जो साथियों वो खरीद पाएंगे। इसके अलावा आपको ऐप के अंदर डेली है जो करंट अफेयर्स की क्यूज मिल रही है, इसके अलावा जो भी कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड वहां पर करवा दिया जाता है। तो इन्फ्यूजन और साथियों बेहतर तरीके से आपकी तैयारी के लिए लगातार प्रयास रहता है, और उसका यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से और लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।
समाज स्टडी कराने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हो करंट अफेयर्स की, वो आपके मात्र 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।